नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मनु मोड़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड ये अपनी फर्स्ट क्लास है। जे तो ये क्लास पसंद आती है तो वीडियो में कमेंट करके मैं दस दौ तो आप इस क्लास में आप अगे कंटिन्यू रखेंगे एंड पूरा टॉपिक कवर करा। तो दोस्तों अपन सिलेबस का तो पता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम बनने, हूँ अपन यही नहीं पता कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कौन कौन टॉपिक होंगे ने जिन्हों में क्वेश्चन उठ के बनते हैं। तो यह पांच टॉपिक ने। सब तो पहला भर भर के जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो स्पेस टेक्नोलॉजी रिलेटेड यानी पुलाड़ के रिला अपने अंतरिक्ष के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तो इलावा इंडियन गवर्नमेंट की जी भी नीतियां ने पॉलिसीज ने इस रिगार्डिंग भी क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तो इलावा डिफेंस टेक्नोलॉजी रक्षा टेक्नोलॉजी के रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो इस तो इलावा इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तुसी यह पांच टॉपिक कवर कर लो। ऑल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जिहड़ा पूरा यह टॉपिक है पूरा थोड़ा कवर हो जाएगा। तो बाकी आप इन्हां पंजा टॉपिक रिलेटेड मैं अलग अलग एम सी क्यू की इंपोर्टेंट एम सी क्यू की क्लास तुम्हें प्रोवाइड करवाता रहांगा। जिमें कि अज की क्लास में आप पुलाड़ टेक्नोलॉजी यानी स्पेस टेक्नोलॉजी बारे जिन्हें भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं वो कवर करांगे। स्पेस टेक्नोलॉजी रिलेटेड अपने क्वेश्चन कवर हो गए। उस तो बाद आप पॉलिसीज रिगार्डिंग क्वेश्चन कवर करांगे। इस तो बाद डिफेंस रिलेटेड तो इनफॉर्मेशन न्यूक्लियर रिलेटेड सारे क्वेश्चन तुम्हें मैं प्रोवाइड करवा देंगे। ओके दोस्तों, हूँ आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट आप अज के जेडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंपोर्टेंट एंड एक्सपैक्टेड क्वेश्चन ने वह वन लाइनर कवर कर लेने। आप क्वेश्चन नंबर एक की कहना दोस्तों, विज्ञानियों ने साडे सौर मंडल में हूँ तक का सब तो दूर दूर का हिस्सा खोजा है, मतलब दूर का हिस्सा खोजा है जिसनों 2018 BG18 उपनाम एक होर उपनाम दिता गया। मतलब कि विज्ञानियों ने सौर मंडल का सब तो दूर का हिस्सा खोजा जिसनों 2018 BG18 कहा जाता है। एक नाम होर है तो उसका एक नाम होर की है फ्राउट, उसका फार आउट इसका दूजा नाम है। ओके दोस्तों, जे तुसी इस इंपोर्टेंट क्वेश्चन की PDF फाइल में बाय करना चाहते हो सिर्फ 44 रुपीज़ में, तो यह मेरा इंस्टाग्राम ID नंबर है, इससे मैं फॉलो करके इस रिगार्डिंग सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन की PDF फाइल में बाय कर सकते हो। तो इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 2 की गल करिए, हेठ लिखा विचों किहड़ी कंपनी ने पत्रकारी आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस प्रोजेक्ट बनाने लिए पोलिस कंपनी नाल साझेदारी का ऐलान किया। तो गूगल ने यह ऐलान किया, यह आर्टिफिशियल पोलिस कंपनी नाल आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के प्रोजेक्ट बनाएगा। तो किहड़ी कंपनी है? गूगल कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 3 की गल करिए, पुलाड़ विच भारत का मनुखी मिशन इसरो लॉन्च वाहन डैश की वरतों नाल पूरा किया गया सी। जो इसरो मिशन अपना लॉन्च किया गया सी तां किहड़ा अपना डिवाइस यानी किहड़ा व्हीकल गया सी? GSLV MK3 नामक अपना जिहड़ा स्पेस विच व्हीकल गया सी। एंड क्वेश्चन नंबर 4 की गल करिए, नासा का डैश पड़ताल तारों के विचकार अंतर तारा स्पेस जां स्पेस विच दाखल होने वाली मनुख द्वारा बनाई गई दूजी इकाई बन गई है। तो यात्री 2 नामक एक उपकरण है उन्हों का नासा वालों का, तो वह जिहड़ा कि स्पेस पड़ताल विच दाखिल होने वाली जिहड़ी दूजी इकाई बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर 5 की गल करिए, इसरो का पूरा नाम की है? काफ़ी बार एग्जाम में यह रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो याद रखो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन इसरो का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 6 की गल करिए, इसरो का चेयरमैन कौन है? तो के शिवान इसरो का चेयरमैन। आई थिंक यह चेंज ना हो गया होवे तो तुसीं एक बार गूगल पर सर्च कर लो इसरो का चेयरमैन लिख के, जे चेंज हो गया है तो वह तुसीं याद रखियो, इसनूं भुल जाओ के शिवान नूं। क्वेश्चन नंबर 7 की गल करिए, इसरो का मुख्य दफ्तर कित्थे है? तो इसरो का मुख्य दफ्तर है जिहड़ा हैडक्वार्टर जिसनूं आपां कहिंदे आ, इह बैंगलोर विच है। क्वेश्चन नंबर 8 की गल करिए, इसरो की स्थापना कदों की गई सी? तो यह 15 अगस्त 1969 की गई सी। क्वेश्चन नंबर 10 की गल करिए, डैश नाम बिजली के बल्ब नाल जुड़ा है तो थॉमस एडिसन का नाम जिहड़ा बिजली के बल्ब की खोज की सी। क्वेश्चन नंबर 11 की गल करिए, इसरो के पहले चेयरमैन सन बिक्रम साराभाई, इन्हां दे नाम ते बैंगलोर विच ही जिहड़ा अपना स्पेस सेंटर भी खोलिया गया है। तो याद रखो बिक्रम साराभाई इसरो के पहले चेयरमैन से। ओके दोस्तों, जो वीडियो बेनीफिशियल लगती है तो प्लीज़ वीडियो में लाइक तो चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लो, तो एक कमेंट भी जरूर कर दो। क्वेश्चन नंबर 12 की गल करिए, बाल पॉइंट पेन की खोज किसने की सी? तो लाज़लो वीरो नामक साइंटिस्ट ने बाल पेन की खोज की सी। क्वेश्चन नंबर 13 की गल करिए, टैलीग्राफ की खोज किसने की सी? तो ई टेरीसेली नामक एक साइंटिस्ट से जिसने टैलीग्राफ की खोज की सी।
क्वेश्चन नंबर 14 की गल करिए, सही वाला पेन यानी फाउंटन पेन जिन्होंने आप कहने उसकी खोज किसने की थी? तो वाटरमैन नामक एक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 15 की गल करिए, 1913 ईस्वी में परमाणु बैटरी की खोज किस द्वारा की गई सी? तो यह काफ़ी इंपोर्टेंट ने, हैनरी मोजले जो साइंटिस्ट से, तो इस रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम बनते हैं, तो इसकी पूरी जी बायोडाटा वो तुम रीड जरूर कर लो। तो जो परमाणु बैटरी की खोज किसने? हैनरी मोजले ने की सी। क्वेश्चन नंबर 16 की गल करिए, यह सिद्धांत है कि डायनासोरस को धरती उत्ते बड़े ग्रह के प्रभाव के बाद अलोप होने प्रेरित किया गया है, डैश द्वारा दिता गया है। तो यह कथन किस साइंटिस्ट ने कहे थे? तो लुइस अल्वरेज नामक एक साइंटिस्ट ने जिसने यह पूरी थ्योरी दी सी। क्वेश्चन नंबर 17 की गल करिए, भारत के दूजे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 लई लैंडर का नाम की सी? तो जिथे जो आप अपने मून से अपने चंद्र मिशन थ्रू आप अपना जो स्पेसशिप उत्ते लॉन्च किया, तो उस विचों एक लैंडर से जिस उत्ते कैमरा लगे हुआ सी, तो उस लैंडर का नाम की सी जो उत्ते लैंड करवाया गया सी मून से, उसका नाम की सी विक्रम लैंडर नाम उसी उसका। क्वेश्चन नंबर 18 की गल करिए, इसरो का पुराना नाम की सी? तो INCOSPAR यह पूरा नाम से, मतलब कि छोटे अक्षरों में यह नाम लिखा हुआ, मतलब कि फुल नेम इसका सी पुलाड़ खोज लई भारतीय राष्ट्रीय कमेटी, इसका पूरा नाम सी। क्वेश्चन नंबर 19 की गल करिए, इसरो सूरज के अध्ययन करने लिए किहड़ा मिशन लॉन्च करेगा? इसरो करन जा रहा है हालांकि 2022 के एंड तक जोड़ा यह लॉन्च हो जाएगा मिशन, आदित्य L1 नामक यह मिशन लॉन्च करेगा इसरो जी अपने इंडिया की स्पेस कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 20 की गल करिए, भारत ने मिसाइल मैन वजो किसू जाना जाता है? तो ओबियस ये सबनों पता है कि भारत का मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी ने कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की गल करिए, भारत के रॉकेट मैन वजो किसू जाना जाता है? तो केशवान जो हाल ही अपना स्पेस एजेंसी का चेयरमैन है उसू रॉकेट मैन भारत का कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की गल करिए, भारत की रॉकेट वूमैन किसू कहा जाता है? तो रितु कारीदल नामक एक अपनी स्पेस एजेंट है उसनों रॉकेट वूमैन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की गल करिए, इसरो के पहले चेयरमैन विक्रम साराभाई पुलाड़ स्टेशन का मुख्य दफ्तर कितने है? तो त्रिवेंद्रमपुरम यानी केरला के अंदर है। तो क्वेश्चन नंबर 24 की गल करिए, भारतीय पुलाड़ का पिता कौन मनिया जाता है? तो विक्रम साराभाई ही भारतीय पुलाड़ का पिता मनिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की गल करिए, भारत द्वारा बनाई गई पहली आर्टिफिशियल उपग्रह का नाम की सी? तो आर्यावट जिहड़ा कि 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में बनाया गया सी, यह एक आर्टिफिशियल उपग्रह सी। क्वेश्चन नंबर 26 की गल करिए, भारत का पहले आर्टिफिशियल उपग्रह आर्यभट्ट किस देश के दे कोसमोस 3M रॉकेट की मदद नाल पुलाड़ भेजा गया सी? मतलब आर्टिफिशियल उपग्रह तो इंडिया का सी, मतलब आर्टिफिशियल उपग्रह जो इंडिया का सी वह रूस का जोड़ा एक रॉकेट से कोसमोस M3M उस द्वारा यह अंतरिक्ष भेजा गया सी। क्वेश्चन नंबर 27 की गल करिए, RBI द्वारा आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर डैश रुपए के नोट उपर छापी गई है? तो 2 रुपए के नोट उपर आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छपी हुई है। क्वेश्चन नंबर 28 की गल करिए, आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय इसरो के चेयरमैन कौन सन? तो इसरो के चेयरमैन उस टाइम से सतीश धवन जिहड़ा उस टाइम इसरो के चेयरमैन से। क्वेश्चन नंबर 29 की गल करिए, इसरो ने 15 फरवरी 2017 को इकट्ठे किन्ने उपग्रह भेज के हूँ तक के सब तो वध उपग्रह भेजने वाला अपना रिकॉर्ड कायम किया? तो 104 उपग्रह भेजे से। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि 104 इसरो द्वारा 104 उपग्रह भेजे गए से, कदों भेजे गए से? 15 फरवरी 2017। तो याद रखियो यह काफ़ी इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल। क्वेश्चन नंबर 30 की गल करिए, इसरो ने 15 फरवरी 2017 नू किस रॉकेट की मदद नाल पुलाड़ विच 104 उपग्रह भेजे से? जिहड़े 104 उपग्रह भेजे से तो किस रॉकेट थ्रू भेजे से इसरो ने? PSLV C-37 नामक, जिसका पूरा नाम क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका पूरा नाम है। ओके दोस्तों, ये तो कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बाकी होर काफ़ी क्वेश्चन ने, इसमें आप नैक्सट वीडियो में कवर करेंगे। उदों तक जो यह वीडियो बेनीफिशियल लगती है तो प्लीज़ चैनल में सबसक्राइब, वीडियो में लाइक जरूर कर लो।